क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां कल्याणपुर के जमुनिया गांव में पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाकपा के दिवंगत विधायक यमुना यादव की पुण्यतिथि पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसका बाप ईडी सीबीआई से नहीं डरा, उसका बेटा क्या डरेगा। जब जब बिहार का उप मुख्यमंत्री बनता हूँ, तब तब ईडी और सीबीआई की टीम मेरे घर पहुंच जाती है। भाजपा के है कि नहीं? शिवहर के सांसद बता, कितना बार से है सांसद? 3 बार से। और केंद्र में कितना सत्ता है? 10 साल से। और बिहार सरकार में कितना साल भाजपा रही, बताओ ये लोग क्या किया? अरे बताइए ये लोग शिवहर और मोतिहारी के लिए क्या किया? यही मोदी जी कहते थे कि बगल में चीनी मिल है, वही का चाय, चीनी का चीनी लेकर के चाय मिला करके पिएंगे। बैठ गए क्या हो? अब फिर आएंगे मोदी जी। ये कार्यक्रम हमारे स्वर्गीय पिताजी कामवीर यमुना यादव जी का 9वां पुण्यतिथि था। नौवां पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे जिले से और कल्याणपुर के सभी लोगों को हम बधाई दिए हैं। सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किए हैं कि जिस रास्ते पर मेरे पिताजी चलते थे, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अगर कोई कमी हो गया हो तो हम काम धा के माफ़ी भी मांगे हैं कि माफ़ी कीजिए और आगे जो भी आपका काम होगा हम ईमानदारी से करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार सकरा प्रखंड के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार के काफिले में स्कॉर्ट कर रही एक गाड़ी ने सड़क पार कर रहे एक बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंत्री की गाड़ी वहां से मौका देख कर भाग निकली। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद इस मामले को शांत कराया गया, जबकि दूसरी तरफ घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए SKMC रेफर कर दिया गया है। माथा में चोट है और यहाँ कमर के पास है और पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल से देख के आए हैं। अब बच्चा को क्या होता है नहीं होता है वो तो बात के बात है। मंत्री जी जा रहे थे, उनकी गाड़ी से लगी। हाँ, उन्हीं की गाड़ी सब रोका है पब्लिक लोग। तो अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चे की स्थिति अब अंदरूनी चोट होगी तो मुजफ्फरपुर भेजा गया जी, PMC में भेजा गया। मंत्री जी कुछ बोले इस पर कि ना रुके? नहीं, वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। वहाँ बच्चा रोड पार कर रहा था, थाना का गाड़ी आया, सब लोग यहाँ बोला कि रुके, लेकिन थाना का गाड़ी चढ़ा दिया। मंत्री जी का स्कॉर्ट था? मंत्री जी का स्कॉर्ट था। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति है। कहाँ का बच्चा रहने वाला है? बच्चा है सकरा, ताजू सकरा के आसपास का बच्चा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मंत्री के काफिले ने एक बच्चे को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जबकि टक्कर लगने के बाद मंत्री के काफिले ने रुकने की कोशिश नहीं की, ना ही मंत्री ने अपने काफिले को रोका, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा भी देखने को मिला। और ग्रामीणों का गुस्सा देख कर मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है, जिसके बाद बच्चे को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर हुई है। तो
तो मंत्री के काफिले ने बच्चे को टक्कर मार दी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे के जो स्थिति है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। और इस दौरान मंत्री का काफिला तक नहीं रुका और जैसे ही ग्रामीणों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा कि एक तो मंत्री के काफिले से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बावजूद भी मंत्री की गाड़ी नहीं रुकी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि ग्रामीणों का गुस्सा किस तरीके से था कि मौके पर ही ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हुए प्रदर्शन करने लगे क्योंकि जब मंत्री का काफिला नहीं रुका तो ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटना लाजमी था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया और मामले को शांत कराया, जिसके बाद बच्चे को हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है जहाँ बच्चे की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, मंत्री के काफिले ने बच्चे को टक्कर मार दी है, इस वक्त बच्चे की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, दरअसल मुजफ्फरपुर के शचकड़ा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे, जिस दौरान उनके काफिले से एक बच्चे को ठोकर लगी। हालांकि बच्चे की स्थिति अब सामान्य है, उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH तत्काल जो है इलाज के लिए किया गया था। इस पर रुपेश, इस पूरे हादसे के दौरान ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि मंत्री का काफिला भी नहीं रुका बच्चे को टक्कर लगने के बाद। नहीं बिल्कुल, ग्रामीणों में तो इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश था ही। हालांकि जिस समय बच्चा सड़क पार कर रहा था उसी दौरान काफिले की गाड़ी से बच्चे को टक्कर लग गई, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। वहीं लोगों ने मंत्री की गाड़ी को रोकना चाहा, हालांकि मंत्री मौका देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन मौके उसके बाद जिला प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस थी उसके काफी समझाने के बाद जो है सो मामला शांत हुआ और तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि लोगों का ये कहना था कि कम से कम मंत्री को वहां रुक के और बच्चे को देखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद रुपेश हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। राज्य सरकार द्वारा अपराधी को छोड़ने के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान सुशील मोदी ने कहा कि सरकार ने मोहन के साथ साथ कई दुर्दांत अपराधी को छोड़ने तक के लिए कानून में ही संशोधन कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आनंद मोहन को जेल भिजवाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, बूथ कैप्चर कराने के लिए अपराधियों को छोड़ा जा रहा है जो कि बहुत गलत है। आगे इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई जिसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध, इसलिए आप अगर कि कोई जिंदगी भर जेल में नहीं रहे, आज अगर कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पैरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है सूचना जारी। खबर बक्सर से है जहां नगर के स्वर्ण व्यवसायियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने और उनकी सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों में बेहतरी के लिए और साथ ही उनके सुझाव के लिए SP कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा नगर के स्वर्णकार समाज के लोगों के साथ एक बैठक की गई है। बैठक में स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ स्वर्ण व्यवसायी भी शामिल हुए। वह इस मौके पर SP ने बताया कि आमतौर पर कई बार स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाते हुए अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं इस पर चर्चा की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इनकी सुरक्षा और इसको दुरुस्त किया जाए। पुलिस अपना काम करती है और हम लोग अपना बना रहे हैं कि कैसे इनको अटमोस्ट सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अक्सर सर घटनाएं घट जाती हैं, घटना रोकने के लिए हमका ही प्रयास है कि घटना ना घटे।
नीतीश कुमार का डीम प्रोजेक्ट डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास 25 अप्रैल 2013 को किया गया था, जिसमें हर दिन 30 मैट्रिक टन मिल्क पाउडर तैयार होने और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य लिए नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा था कि इससे क्षेत्र की खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन एक दशक लग गए और पावर प्लांट चालू तक नहीं हुआ, जिसके बाद शिव गांधी ने एक जुलूस को थाना चौक से सुधा डेयरी तक निकाला और डेयरी SDM कार्यालय पर समाप्त किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि विकास कार्य में वो बाधा ना बने। किया था तो उसमें 30 मैट्रिक टन दुग्ध पाउडर का प्रतिदिन उत्पादन करने का एक प्लांट लगाना था, जो बिहार का पहला प्लांट है, उसका आधारशिला उन्होंने रख दिया था। लेकिन आज 10 साल, आज 25/4/2023 है, 10 साल पूरा हो गया लेकिन अभी तक वो प्लांट लगा नहीं। क्या नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद लगाएंगे क्या? ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में यही एक डेहरी ऑनसोन ऐसा जगह है जहां पे एक प्लांट लगा है, सुधा फैक्ट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री, आपने जैसा बोला कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने में उनको बहुत सहूलियत मिलेगा अगर ये डेयरी मिल्क प्लांट पाउडर प्लांट अगर लगा देते हैं तो उनको प्रचार करने की कम जरूरत पड़ेगी। डेयरी पाउडर प्लांट का 10 वर्ष पूर्व शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन उसके बाद 10 वर्ष में भी ये प्लांट को नहीं चालू किया गया है। आपको बता दें कि ये पाउडर प्लांट जो सुधा का जो है वो आंगनबाड़ी में भी जाती है, जो अभी नहीं जा रहा है बंद होने के कारण। आपको बता दें कि 10 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री नहीं चालू करा है, तो इस पे जो है कि लोगों में आक्रोश है और लोग सड़क पे आ गए हैं। कैमरामैन अमरेश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका, मिल्क पाउडर प्लांट एक दशकों बाद भी चालू नहीं हुआ, इसकी वजह क्या बताई गई है? जी मंजीत, अभी जी बता दूं मैं आपको कि वजह अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये तय है कि अभी ये जिस तरह का साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का था वो कहीं ना कहीं ये फेल नजर आ रही है। और सूत्रों में ये भी बताया जा रहा है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार का जो है पाउडर प्लांट का, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, सूत्रों से ऐसी बातें पता चली है। तो मंजीत, क्या माना जाए कि जिस तरीके से दशकों पहले इस पावर प्लांट का, ये इस प्लांट का उद्घाटन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ये प्लांट जो है वो शुरू नहीं हो पाया, क्या ये माना जाए? जी, अभी राजनीति इसमें जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो राजनीति कर ही रहे, लेकिन ये सरकार में तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्हीं की प्रोजेक्ट थी और ये प्रोजेक्ट जो है कि नहीं चालू। आपको बता दें कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर चालू हो जाती है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार और ऐसे इनकी बातों को कही जाती है, अगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट इनका जो सुधा पाउडर का प्लांट का है वो अगर चालू कर देते हैं तो कई मजदूरों और व्यवसाय यहाँ पे मिल जाएगा और एक रोहतास जिले के डेहरी जो है कि विकसित देखने को नजर मिलेगा। और ये आपको ये भी बता दें कि जो ये पाउडर से जो मिल्क बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो आंगनबाड़ी में भी दिया जाएगा। और ये बात नीतीश कुमार ने भी जब इसका शिलान्यास 2013 में इन्होंने किया था तो ऐसी बात। बिल्कुल, यानी कि मजीद ये माना जाए कि अगर ये पाउडर प्लांट जल्द से जल्द चालू हो जाता है तो लोगों को काफी हद तक रोजगार मिलेगा। धन्यवाद मजीद हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है।
आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुँचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का 6ठा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक और राष्ट्रीय महामंत्री हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। वह इस अधिवेशन में मुख्य रूप से कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। मिलन किया है जिसमें भारत सरकार से ये मांग करती है कि जो भारत सरकार से भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ने समान काम की समान वेतन का 3/9/2002 में आदेश कराया था, जो सभी मजदूर को वही वेतन मिलना चाहिए जो कि रेगुलर वर्कर को मिलना चाहिए, उस आदेश को पालन होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने 89 डिपू ठेकेदारी प्रथा भारत सरकार में मैंने करवाया था, नोटिफिकेशन करवाया था कि आज भारतीय खाद्य निगम मजदूर संगठन का वार्षिक अधिवेशन है। उस वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से उनके यूनियन के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके अंदर इनकी मुख्य मांग जिसके ऊपर चर्चा होगी कि जितने भी 96 पूरे देश के अंदर भारतीय खाद्य निगम के 89 जो गोदाम हैं वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहा है उनको रेगुलर वर्कर के बराबर जो है तनख्वाह वेतन और सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए JTN नवोदय विद्यालय में खो खो का जोनल कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें बिहार झारखंड बंगाल से 8 नवोदय विद्यालय के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस दौरान रोहतास जिले से 11 लड़के और एक साथ 8 बालिकाओं ने अपने कला का जौहर बिखरने के लिए प्रस्थान भी किया है। साथ में एक महिला टीचर और एक स्पोर्ट्स टीचर भी उन बच्चों के साथ मौजूद रही। इसके बाद रीजनल मीट होता है, इसके बाद नेशनल मीट होता है, इसके बाद SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूल पार्टिसिपेट में। कितने स्कूल पार्टिसिपेट में? इसमें 11 छात्र हैं और 8 छात्राएं हैं। विद्यालय इसमें 10 है, 10 यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, रीजनल लेवल पर हो जाएगा तो हाँ वो नेशनल टीम बनेगा। किस जोन का है 10? विद्यालय राजगीर जा रहा है कस्टम खो खो से। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा राम। और जो PT सर हैं? SB सिंह PT सर। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे कॉलोनी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की शताब्दी समारोह का बेहद ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। यूनियन के तमाम पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस शताब्दी समारोह में शिरकत की और केक काटकर स्थापना शताब्दी समारोह मनाया। इस मौके पर यूनियन के उपस्थित सदस्यों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और तेज आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। रेलवे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन नीति बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने का भी संकल्प लिया है। छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियापुर नगर निगम 43 में चाकू चलने से एनुल अंसारी के घायल होने का मामला सामने आया है। वही घायल एनुल अंसारी ने बताया कि मैं और मेरी मां देर रात को लगभग 9 बजे के आसपास घर से खाना खाकर अपने गोवास पर मां को पहुंचाने जा रहे थे। तब इस दौरान देखा कि 4 से 5 व्यक्ति गोवास पर बैठे हुए हैं और जब वृद्ध महिला ने युवकों को मना किया कि यहां क्यों बैठे हो, आप लोगों को पुलिस और पब्लिक नहीं छोड़ेगी, गलत काम करना छोड़ दीजिए, बस इतना
इतना कहते ही चार पांच व्यक्तियों ने दोनों को पकड़ लिया और सलमान नाम के व्यक्ति ने युवक और वृद्धा के पेट में चाकुओं से वार किए, जिसका शोर मचने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सहरसा के बैजनाथपुर चौक पर आज दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मदन मोहन झा ने बताया कि वो चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्र भ्रमण के दौरे पर है, तो वहीं इसी दौरान आज मधेपुरा जिले स्थित सिंहेश्वर के बाबा भोलेनाथ के दरबार में वो पहुंचे हैं। पूरे दिन के अच्छे दिन के सभी से भेंट घाट होने से एक उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, इसलिए हम सब लोग मिलते मिलजुल रहे हैं और अपनी जो बात है वो बता भी रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले चुनाव के लेकर के मन मन तैयारी करने में लगी हुई है, कहाँ तक ये बात सच है? ये गुपचुप वाली बात कहाँ है, तो तैयारी तो करना ही है, कभी तेजी से कभी धीरे धीरे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डबल इंजन सरकार परवागी निम्म मध्ये नानु केळिकोळ्ळक्के बंदिद्देने। जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।